बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं फैयाज़ मोहम्मद इमरा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ इस सनराइज़ और सनसिटी कॉम्प्लेक्स के पार्ट टू के वीडियो में। पार्ट वन में मैंने पूरे कॉम्प्लेक्स को कवर किया हूँ, पार्ट टू में आपको सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम हुआ है। अपने पास 1 RK 1 BHK दोनों अवेलेबल हैं, तो आइए सैंपल फ्लैट की तरफ चलते हैं, किस तरीके से काम हुआ है वो देखते हैं। 1 RK का कितना एरिया है, 1 BHK का कितना एरिया है, चलते हैं अंदर की तरफ। ये जो बिल्डिंग नॉन कलर्स यानी जिसका काम चल रहा है नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग में अपने पास फ्लैट्स अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक, चॉइस के मुताबिक इन तीनों बिल्डिंग में बआसानी फ्लैट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सैंपल फ्लैट की तरफ चलते हैं अंदर की जानिब, और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से काम हुआ है। आइए सैंपल फ्लैट की तरफ चलते हैं, आइए सैंपल फ्लैट की तरफ चलते हैं। ये एंट्रेंस, सामने लिफ्ट एरिया, मीटर रूम। देखिए एरिया कितना काफ़ी बड़ा है, बआसानी अपना सामान भी आप ला सकते हैं। आइए 1 RK की तरफ चलते हैं। किचन एरिया कवर किया हुआ है, ये 1 RK का एरिया है तकरीबन 400 का। इस तरीके से एक रूम प्लान किया हुआ है, छोटा सा बेडरूम और उसके साथ में टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड। सेम एक दूसरा पैटर्न यहां पर भी आप देख सकते हैं, तो 1 RK को डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन में इन्होंने प्लान किया हुआ है। ये देखिए किचन को सेपरेट करके, ये कंपाउंड सामने का जहाँ से अभी मैं आया, एक रूम अंदर प्लान किया हुआ है छोटा सा बेडरूम के तरीके से। टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड, आइए 1 BHK का एक सिंपल फ्लैट देखते हैं किस तरीके से काम हुआ है। काम चल रहा है अभी, ये देखिए सामने का लिफ्ट एरिया है और ये मीटर रूम, ये लिफ्ट एरिया है। ये 1 BHK का एरिया है तकरीबन 575 का एरिया है। ये ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट अवेलेबल है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी हाइट काफ़ी अच्छी खासी ज़्यादा दी हुई है, तकरीबन 20 फुट की हाइट नज़र आ रही है मुझे, अंदाजे से मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको बताएंगे यहाँ के जो जिम्मेदार हैं। अच्छी खासी हाइट की, इसको डबल स्टोरेज भी कर सकते हैं एक कोटमाला लगा के। ये देखिए हाइट, देखिए अटैच टॉयलेट बाथरूम, एक बेडरूम छोटा सा अंदर प्लान किया हुआ है। ये सब सामने कंपाउंड एरिया, ये देखिए सामने लेफ्ट में जो टॉयलेट बाथरूम कॉमन है और राइट में जो नजर आ रहा है ये सिर्फ टॉयलेट है जो बेडरूम के अंदर प्लान किया हुआ है। हाइट देखिए काफी अच्छी खासी हाइट है, ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में मिलेगी, ऊपर के फ्लोर पर इस तरीके की हाइट नहीं है, एक स्टैंडर्ड हाइट रखे हैं ऊपर, बिकॉज ऑफ कमर्शियल की वजह से इसकी हाइट निकली है। ये किचन, ये हाइट निकलने की जो खास वजह जो थी, क्योंकि कमर्शियल है सामने, इसके ऊपर इसके फ्रंट साइड में जो कमर्शियल होने की वजह से इसकी हाइट इतनी अच्छी खासी निकली है। तो देखा आपने सैंपल फ्लैट, मैंने आपको 1 RK भी दिखाया, 1 BHK भी दिखाया, दो एरिया के हिसाब से हमारे पास फ्लैट्स अवेलेबल हैं, 1 RK 1 BHK अलग अलग एरिया के हिसाब से अवेलेबल हैं। आप अपने व्यू के हिसाब से पसंद के मुताबिक ले सकते हैं, ग्राउंड पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, और लिफ्ट भी अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से सारी तफसील मैंने आपको वीडियो में बता दी,
कि आप किस तरीके से यहाँ का जायज़ा ले सकते हैं, आकर देखिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये कॉम्प्लेक्स, ये फैसिलिटीज़ आपको पसंद आएगी। तो आइए अपने पसंदीदा ड्रीम होम को बुक कीजिए हमारे पास आके। मैं फैयाज़ मोहम्मद इमरा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के लिए हमेशा हम वक्त आपके लिए तैयार रहता हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, मेरा नंबर भी है, मेरा पार्टनर का नंबर भी अवेलेबल है, आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, इंशाल्लाह आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो नेरल दामद गांव में सन सिटी सनराइज़ कॉम्प्लेक्स